बस करो यार। सॉरी, वो दोस्त थे कि वो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान छोड़ा कर आया हूं मैं। मैंने कहा एटलीस्ट आज तो मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है शादी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। मैंने 2 साल तक लड़की ढूंढी है, फिर जाके तुम सिलेक्ट हुई हो। आजकल पता नहीं क्यों अच्छे रिश्ते नहीं आए, और अच्छी लड़की मिलना तो गनीमत है। तुम्हें पता है फीमेल की पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज्यादा है, लेकिन देख लो ये लड़कियां कर क्या रही हैं। आए दिन फेसबुक पे नए नए स्टेटस लगाती रहती हैं। इंस्टाग्राम ने तो हद ही कर दी। एक लड़की शाम में कोई पिक्चर लगाएगी, रात में कोई पिक्चर लगाएगी, दिन में कोई पिक्चर लगाएगी और दोपहर में कोई। और एटलीस्ट शादी के लिए तो ऐसी लड़की होनी चाहिए जो बाहया हो, पाकीजा हो, घरेलू हो, दीनदार हो, जैसे कि तुम। क्या मतलब मम्मी नहीं मान रही? अबे यार, तुमने जो मॉडर्न ड्रेस पहन के 4-6 तस्वीरें इंस्टा पे अपलोड की थी ना, वो मम्मा ने देखी। तुम तो जानती हो आजकल की आंटियों में सोशल मीडिया की टो में लगने के अलावा और उनके पास कोई काम ही नहीं है। But you don't worry, baby. मैं मम्मा को मना लूंगा। हेलो, सारा सी तारीफ क्या की आपकी मोहतरमा, आप तो गरूर करने लग गई। ये बाहया पाकीज़ा लड़की की डिमांड आपकी मम्मी की थी या पापा की? ऑफ कोर्स मेरी थी। रियली? तो और क्या भाई, बोलो जो भी डिमांड करते थे उसके पीछे कौन होता? मैं ही तो होता था भाई। शादी मुझे करनी है, जिंदगी मुझे गुजारनी है, तो डिमांड किसकी होनी चाहिए? मेरी ना। अब देखो ना, शादी से पहले मैंने कितनी सारी लड़कियां रिजेक्ट की। कोई छोटी थी, कोई काली थी, कोई अजीब सी थी, कोई कोई तो मुझे समझ में नहीं आती थी। तुम खुद सोचो, समोसे जलेबी खा खा कर मेरा पेट बाहर आ गया था। ये शादी से 2 महीने पहले ही तो मैंने कम किया है। तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे घर मुंह मीठा कर कर मेरी तलाश खत्म हो गई। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो शादी के बाद मेरा कोई इरादा नहीं बच्चे पैदा करने का। 4-5 साल तक तो बिल्कुल नहीं। शादी को फिर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो क्या हमें प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए? उसका इंतजाम किया है ना मैंने। तो किस फ्लेवर में है जी आपका प्रिकॉशन? व्हाट फ्लेवर? क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? तुम मर जाए ना। सब शादी के बाद। स्वीटहार्ट, शादी के बाद या शादी से पहले क्या फर्क पड़ता है? We all love each other, baby. So come. No, I said no. मैंने तुमसे कुछ पूछा है? अगर मैं तुमसे फ्लेवर पूछूंगी तो तुम मेरी वर्जिनिटी पर सवाल उठाओगे। सवाल तो उठेगा ना। तुम वर्जिन हो? Nonsense. इसमें नॉनसेंस वाली क्या बात है? सवाल मैंने किया? सवाल वो पूछा जिस पे खुद पूरे उतर सको। बहुत रिलेशन रहे होंगे ना तुम्हारे लड़कियों के साथ। तुम बहुत को बदल रही हो। बदल नहीं रही, वही जानना चाहती हूँ जो तुम मुझसे जानना चाहती हो। मोबाइल तो अपना।
मोबाइल क्या कर रही हो? प्राइवेसी है मेरी, इसमें इसमें मेरी प्राइवेसी है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, हक है मेरा। ये तुम्हारी प्राइवेट तस्वीर में महविश है ना, इसने पिछले हफ्ते पोस्ट डाली थी तुम्हारे लिए, देखी थी मैंने। हाँ, बकवास कर रही थी वो, बेला बजा जबरदस्ती गले पड़ाई थी मेरे। क्यों जबरदस्ती गले पड़ना चाहती थी? क्योंकि ये साइको है। और वो फारिया, एक साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और वो बीबी तुम्हारे साथ पाई गई थी। तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? तुम लोग शादी के लिए लड़की की नस्ल तक की जांच पड़ताल करते हो। क्या हम लड़कियों का हक नहीं पहुंचता कि हम लड़कों के बारे में जाने? जब तुम्हारा रिश्ता आया था ना, तो मैंने भी मालूमात की थी। तुम पहले अपनी सफाई दो वरना तो। नहीं तो क्या? हाँ, मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। तुम एक बाहया पाकीजा लड़की को तलाक देकर फिर से लड़की ढूंढोगे? महवेश फारिया तो तुम्हारी एलानिया गर्लफ्रेंड थी, कितनी ऑफ शो थी वो तो तुम खुद बताओगे। अगर तुमने एक भी लफ्ज बोला ना तो मैं। अगर ये एतराफ जुर्म है तो तुम भी एतराफ करो। मर्द हो ना, हर चीज में पहल करते हो, एतराफ में भी पहल करो। सच्चाई से भाग रहे हो, बुजदिल हो तुम। बुजदिल नहीं हूं मैं, नहीं हूं बुजदिल मैं। हाँ था, था मेरा अफेयर फरीना से भी था और मैविस से भी था। तो इनसे तुम्हारा फिजिकल रिलेशन भी रहा होगा। तो तुम मुझे टेस्ट करोगे? इब्तिदा तुमने की है। हाँ रहा, एक आध बार रहा है रिलेशनशिप, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी के साथ फिजिकल होना, उसके एहसास से खेलना, उसे ख्वाब दिखाकर धोखा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंडशिप किसी और से और शादी एक बाहया पाकीज़ा लड़की से, इस डबल स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की बोलो, हाँ तो बोलो शादी, घर में सब लोग हैं अबे। एक लड़की जब अपने आप को किसी मर्द को सौंपती है ना, तो वो दिलो जान से उस पर भरोसा करती है। आसान नहीं होता हाथ पार करना, मर्द उसे खुद पाकीज़ा रहने ही नहीं देता और शादी के लिए एक पाकीज़ा लड़की ढूंढता फिरता है। ये हर कोई लड़की से उसकी वर्जिनिटी क्यों पूछता है? लड़का क्यों आजाद है? हाँ, नहीं हूं मैं वर्जिन। तुम जैसे एक लड़के ने मुझे भी मोहब्बत और शादी का ख्वाब दिखाया और शादी की एक सो कॉल्ड पाकीज़ा लड़की से। हम दोनों बराबर हैं, दोनों वर्जिन नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल है तो ठीक है, नहीं तो तलाक दे। मैं ये भी इल्जाम सह लूंगी जो तुम तलाक की वजह बनाओगे, क्योंकि वर्जिनिटी तो सिर्फ लड़की की पूछी जाती है। सुनो, आई एम सॉरी, आई थिंक हमें माजी को बुलाना पड़ेगा।
क्या रखा है माजी में? जो कुछ तुमने किया, जो कुछ मैंने किया, सब कुछ भूल जाना चाहिए हमें। एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, एक नई जिंदगी की बुनियाद रखते हैं, आज से, अभी से।